एक्साइटेड. ये आई थिंक बिगनिंग वर्ड्स हर कोई हर मूवी के प्रीमियर पे बोलता होगा, लेकिन शायद इस एक्साइटमेंट का रीज़न ये है कि मुझे मालूम है कि इस शख्स ने कितनी मेहनत की है और कितनी काबिलियत रखते हैं. विवेक दहिया, ही इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड मैन एंड आई एम वेरी लकी भाई. नहीं जी, हमारे घर का बच्चा अच्छा है. And I'm a very happy wife, very lucky wife, and it's a very proud moment because what they have made is a very good movie, and Vivek is fabulous in the film. And generally, कई सारे notions लेके लोग TV से movies में transit करते हैं. In fact, it's generally a very difficult journey क्योंकि टीवी से टेलीविजन, टेलीविजन से फिल्म में एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट होता है, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली मॉरली आपको डाउनग्रेड करता है, पुल डाउन करता है. बट आई एम सो सो प्राउड ऑफ विवेक दैट ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन द फिल्म. आप लोग देखेंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैं बोल चुकी हूँ काफ़ी कुछ. बट आई लव हिज वर्क एंड यू शुड वॉच द मूवी फॉर हिज वर्क. थैंक यू. चलो अभी चलें. थैंक यू. पर सारा बोल दिया ना एक ही सवाल में. बहुत सारा प्यार है. कांग्रेचुलेशन, आई होप द फिल्म डज रियली वेल. डज रियली रियली वेल. और हमें सी, जब भी एक हम छोटी फिल्म निकालते हैं तो हम सारे के सारे साथ आके उसको सबको प्रमोट करना चाहिए कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोग देखें और उतनी ही चले और ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे. सो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर करें और जितने लोग आके देख सकें उसे प्लीज़ देखें. मीता जी के साथ मैं काम कर चुका हूँ, एक प्ले कर चुका हूँ, तो कमाल के एक्टर हैं. संजय जी भी बहुत कमाल के एक्टर हैं. एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है. सो आई जस्ट होप एंड प्रे कि सब अच्छा जाए और फिल्म बहुत अच्छी चले. मैम का कितना ख्याल रख रहे हैं? हाँ यार, अभी तो ख्याल ही रख रहे हैं. मैम ही ज़्यादा मेरा ख्याल रख रही है ऐसा लग रहा है अभी. सो यार काफ़ी ख्याल रख रहे हैं. थैंक यू. और पूरे नहीं कर पाते, तो मैं भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज का पास आउट हुआ और कॉलेज में बहुत सारे ड्रीम्स थे कि मैं हार्ले डेविडसन बाइक लेके लेह लद्दाख तक जाऊं, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इंडिया में. बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूं और वो ड्रीम पूरा नहीं कर पाया. फिर मैंने मेहनत की और इस फिल्म के थ्रू मैंने उस ड्रीम को जिया है. सो राइट फ्रॉम बॉम्बे टू लेह लद्दाख हम लोग 130 लोगों के क्रू को लेके गए, इंक्लूडिंग संजय मिश्रा जी, शैनन के, विवान शर्मा, राकेश पांडे, सो एंड संदीप गौड़. और हम लोग ट्रैवल किया, 130 लोगों को लेके गया, सबके ड्रीम पूरे किए और फिल्म बन गई. बहुत टफ था क्योंकि मैं एक न्यू कमर हूँ, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा. और संजय मिश्रा जी जैसे लेजेंड, मीता वशिष जैसी लेजेंड के साथ में काम करना, उनको अप्रोच करना, क्योंकि बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स ने डरा दिया था कि ये लोग दो दो साल तक नहीं मिलते हैं और बहुत बिजी आर्टिस्ट है. बट समहाउ मैंने एक कॉन्टैक्ट बनाया, इनसे मिला और जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट नैरेट किया तो इनको पसंद आई. और संजय मिश्रा जी, मीता वशिष दोनों ही लोग ऐसे हैं जो न्यू डायरेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं. और स्क्रिप्ट सुन के पसंद आया, उन्होंने मुझे हाँ किया, तो मेरा हाफ बैटल वहीं जीत गया था मैं. फिर किधर से? विवान, आप जी. मेरे को ट्रेलर बहुत पसंद आया था और जो पॉजिटिविटी इसके ट्रेलर में लगी थी, संजय मिश्रा को पहले तो एक बाइक पे देख के इस तरह के डिफरेंट अंदाज में देख के ही मज़ा आ गया. कितने टाइम से हम उन्हें वो डोंट डूज जस्ट चिल या थोड़े दुखी आत्मा या हंसी आत्मा, बट ये जो है दिस इज रियल संजय मिश्रा. ये देख के बहुत एक्साइटमेंट आ रहा है कि कुछ अलग देखने मिलेगा. जब भी उन्होंने अलग किया है, कमाल का किया है जी. यंगस्टर्स जो है इसमें, अगेन शैनन के है, शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर. तो यहाँ पे आई एम एक्साइटेड टू सी योर परफॉर्मेंस एंड साथ में विवेक तो है ही, तो विवेक के भी आई वॉन्ट टू सी हिज पार्ट ऑल्सो. सो क्वाइट एक्साइटेड विद द फिल्म. थैंक यू. यस, एक्चुअली मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एक्चुअली संजय मिश्रा जी का. आई विश वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द टीम आप चल जिंदगी. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सब लोगों को ही पसंद आए, जिस तरह हमने ऑलरेडी उनको ऑब्वियसली उनकी सारी इतनी सारी मूवीज़ देखी हैं और ये कास्ट जो है इसमें बहुत अच्छा है.
बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। मैं यही करता हूँ, प्रे करता हूँ, यही ऑल द बेस्ट कहूँगा सब टीम जिन लोगों ने भी इसमें काम किया हुआ है। हाँ जी, हाय, दिस इज अनु सिल्क। तो मैं चल जिंदगी के पूरे टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और आई होप योर मूवी बहुत अच्छे से चले, बहुत ज़्यादा चले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कुछ करना है, बोला चलो कर, आप कर रहे हो तो हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो विवेक जी ने हमको जोड़ा और विवेक जी के साथ हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। इतनी मेहनत, इतना क्रू के मेहनत करी है, इतना कोशिश पूरी करी है, भगवान करे सबको पसंद आवे और ये फिल्म सुपर हिट हो जाए। थैंक यू। मोटरसाइकिल पे चढ़ के लद्दाख तक पहुंच जाऊं, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। दैट्स द फीलिंग आई गेट व्हेन आई सी द फिल्म। एंड आई डोंट हैव द लीड रोल, ऑल दिस इट डजंट मैटर। नो, इट डजंट मैटर। आई हैव द फन राइडिंग व्हाट व्हेन यू कम इन द फिल्म, यू स्टील एवरीथिंग, यू स्टील द शो। सो यू मेक अस जस्ट लुक वेरी average. No, that's very sweet of you. No, what I meant was they had all the fun doing all the motorbike riding. That's what I meant. But you're very gracious. Thank you. No, ma'am. But you are in the sequel, you're going to be there. Yes. I've just announced it on the behalf of the director and the producer. I've taken the liberty. All right. I hope so. No, I'm very excited about the film. I think it's a refreshing thing because यू नो, जो चीज़ें हम बनाते हैं वो हमारे पूरे जहन को और पूरे सामाजिक दिमाग को अफेक्ट करते हैं। तो ये इतनी खुशनुमा चीज़ है कि जहाँ पे इतना मर्डर्स और मी टू और ये सब हो रहा है, ये दिस विल बी लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश है एंड लिफ्ट द स्पिरिट्स ऑफ एवरीवन हु वॉचेस इट एंड मेक यू फील लाइक लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड एंड एंजॉयड एंड सेलिब्रेटेड, यू नो। एब्सोल्युटली, सो वेल सेड। यार काश मेरा अमिता मैम के साथ सीन होता, लेकिन संजय जी के साथ है इनका फिल्म, आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारी जर्नी अलग चल रही है। संजय जी, ये बेसिकली तीन कहानियां हैं, एक संजय जी लीड कर रहे हैं, एक मैं लीड कर रहा हूँ, एक शैनन लीड कर रही हैं। तो मेरा इनके साथ हम लोग साथ में शूट नहीं किए, लेकिन होपफुली इन द नेक्स्ट वन एंड वी एज एन इंडस्ट्री वी आर क्वाइट स्मॉल, यू नो, इट मे लुक वेरी huge on the outside, but it's we meet the same people all over again. So I'm hoping, fingers crossed, that we get to work together. Yes, I love yes, that. Thank yeah. you so much. Before the sequel, I hope we do a film together. Yes, touch wood. यार देखिए, ऐसा है कि हमने बहुत मेहनत की है, सब करते हैं, लेकिन ये जो schedule था थोड़ा सा challenging था हमारे लिए, क्योंकि outdoor था। 99% film बाहर shoot हुई है एंड हमारे जो लेह की ठंड है या राजस्थान की गर्मी, तपती धूप और बर्फीली ठंड में हमने शूट किया है। सो प्लीज़ जाके देखिएगा, गाने बहुत प्यारे हैं, कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, कहानी बहुत अच्छी है, गाने आपको लगेंगे कि ऐसे नहीं ज़बरदस्ती डाल दिए गए हैं, दे आर ऑल सिचुएशनल, दे ऑल रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर रीजन। So you will love the film. Please go and watch it with your friends and family, because it's a film that everyone can watch across all ages. Actually, can I answer that? See, I don't know if we are legendary actors in the sense that we've done really good work and it's wonderful, but it's also wonderful to act with, you know, because I mean, like, we didn't have any scenes together, but I think every generation brings a beautiful new energy to the craft, and every new generation allows the older senior actors to also celebrate their lives, you know. So I really feel very blessed that we are here in the same film together. And every time an actor enters in a particular time in history, आप 5 साल बाद आते हैं, 10 साल या 20 साल बाद, वो अपनी एक एनर्जी लेके आते हैं, वो अपने उस समय के
माने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो हम लोग भी इनसे सीखते हैं कुछ कुछ चीज़ें. दैट्स सो हम्बल ऑफ यू टू से दैट मैम, वेरी काइंड. बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सीनियर एक्टर्स आते हैं, एक्सपीरियंसड एक्टर्स, आई मीन थोड़ा एक्सपीरियंस हमें भी है लेकिन इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इनके साथ सीन्स बहुत खूबसूरत बन जाते हैं. यू नो, यू थ्रो इन वन डाइस एंड यू आर इम्प्रॉम्प्टू, अगर स्पॉन्टेनियस कुछ बनाना होता है तो वो तुरंत बन जाता है. हमें बैठ के उसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग लंबी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इट जस्ट कम सो नेचुरली, यू नो, इट जस्ट हैपन सो ऑर्गेनिकली. सो दैट्स वॉट आई जस्ट फील ब्लेस्ड दैट आई हैव दीज आइकॉनिक एक्टर्स विद मी इन माई फर्स्ट फिल्म, माई डेब्यू इन सो कॉल्ड बॉलीवुड. सो थैंक यू. ये बहुत खुशी हो रही है कि आज चल जिंदगी प्रीमियर में हम आए हैं एंड बहुत ही ज़बरदस्त सब लोगों का भीड़ भाड़ देख रहा हूँ मैं हुजूम एंड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. शैनन का भी डेब्यू हो रहा है इस फिल्म में एंड सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म में एक गाना मेरा भी है, मैंने भी एक गाना गाया और शैनन के साथ ही ड्यूएट गाया एंड पिक्चर में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार है, लेजेंडरी कुछ कलाकार है जिनका, जैसे कि संजय मिश्रा हो, मिता वशिष्ठ हो, और भी बहुत सारे लोग हैं, विवेक दहिया एंड बहुत सारे लोग हैं. तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज उसका स्क्रीनिंग देखूंगा एंड ये मेरा बेस्ट विशेष रहा ये पिक्चर सक्सेस हुए. एंड विवेक शर्मा इज़ द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ भी बोलिए, इनका लिखा हुआ गाना मैंने गाया एंड म्यूजिक क्या नाम है वो लॉस्ट सिंबल्स ने म्यूजिक दिया एंड विवेक का लिखा हुआ और मैंने गाया. तो एक गाना है मेरा, तो कुछ नहीं अभी स्क्रीनिंग में देखेंगे एंड आई मेरा बेस्ट विशेष रहा इस फिल्म के लिए चल जिंदगी. बचपन में शारदा के गाने सुनता था मैं कैसेट्स में, है ना, और ये एक ड्रीम है कि मेरी फिल्म है जिसमें शारदा ने गाना गाया, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. थैंक यू. And very overwhelming experience. This is my debut in Bollywood, so it was just like the movie, you know, we go on a journey. So I too went on a journey with myself as an actress and with just, you know, facing like the Hindi dialogues, trying to learn how to ride a bike. So it was overall a beautiful experience. Recently you went to the Transfer Festival. How was the experience over there? I mean, it was the first time you went. Yes, it was my first time in Cannes. I am ever so grateful to have the opportunity, and I mean, for me it was just so surreal because, you know, it was, I was in the presence of the legend, Mr. Harrison Ford, and it was, I just had to like, you know, process it all, you know, when I was there. So yeah, a very, very overwhelming experience there as well. And yeah, a memorable moment for sure. How far Sanuday have you from your debut? I know, legend kind of person. What you learned is a 50% person from you. Sorry? From Sanuday, from your father. What have I learned? Yeah. Oh, I've learned so much, but most importantly, I think I've learned that to stay positive in life. I feel like sometimes, you know, you tend to like get a little depressed or get a little negative, but he is always, always positive, and he's always happy about anything that he does. You know, whether like he comes out from a recording session or whether he goes out for like his concert and everything, he's very grateful and thankful to God and to life for giving him, you know, something to do every day. So I think that's something that I've learned, to stay positive, because, you know, if you're not positive, then nothing's gonna really work for you. So you gotta believe in yourself, you gotta stay positive. And of course, like musically, you know, like techniques and everything, how to like perform live, how to engage with the audience, and how to like, you know, emote certain like emotions in songs, especially in Hindi. So I've learned quite a lot from him, and I still am learning. Working with Sanjay
Sister has been a blast. I have got to learn so much from him. As we all know, he's an amazing actor. He's a legend, and you know, the fact that he started his initial career as a theater actor, so you know, you really get to dig in with your character when you have somebody like that. And on set, he was so much fun. We used to like sit down and we used to like go through our scenes together, or if I had a scene with somebody else, so he used to really like work with me and on my like diction and you know the Hindi dialogues and everything, so it was super super fun. Thank you. Thank you. पूरी टीम के साथ में जो एक नया वेंचर उन्होंने स्टार्ट किया जिसके अंदर उनका जो एक्साइटमेंट जनरल लाइफ के अंदर रहता है, आई एम श्योर वो सारे वेंचर्स के अंदर वो दिख के आएगा और वो बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेसफुल रहेगा. एंड हम बहुत होपफुल हैं, पब्लिक भी इसको लाइक करेगी. एंड आई एम श्योर उन्होंने कुछ भी किया तो बहुत ही बेहतर किया होगा. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. यहाँ पर मैं आज चल जिंदगी का वो मोमेंट सेलिब्रेट करने आया हूँ जो कि किसी भी सफ़र को एक अलग कलर देता है, अलग रंग देता है, और वो रंग है राजस्थान. और जब आप राजस्थान में जाते हैं अपनी ज़िंदगी का वो लम्हा जीने के लिए, तो कुछ बहुत ही कलरफुल मोमेंट्स आपकी लाइफ में हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं. और इस फिल्म में जब सब लोग राजस्थान पहुंचेंगे, तब वो मेरे गाने के साथ में राजस्थान के कलर्स को सेलिब्रेट करेंगे. और उस गाने की कुछ लाइन्स आप लोगों को सुना दें. इट्स अ वेरी वेरी फेमस ट्रैक. अरे कान्या ने मान्या कुर्र चाला जोधपुर, अरे कान्या ने मान्या कुर्र चाला जोधपुर. तो ये बहुत ही सुंदर सा ट्रैक है. इस ट्रैक को आप लोग जब अंदर थिएटर्स में जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. एंड आई विश हमारे सुपर टैलेंटेड डायरेक्टर साहब विवेक जी और साथ ही विवान को, स्पेशली मैं यहाँ पर राजस्थान से आया हूँ और विवान बेटा को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि वो बहुत ही सुपर सुपर टैलेंटेड बच्चा है और हम सब उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहते हैं. थैंक यू सो मच.